हेलो दोस्तों, तो हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि डायलअप कनेक्शन अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में जो डायलअप कनेक्शन है उसे डिलीट कैसे करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि डायलअप कनेक्शन जो कभी कभी अलग अलग मॉडम या फिर अलग अलग सिम कार्ड यूज करते समय डायलअप कनेक्शन ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। तो उससे होता क्या है कि हमें प्रॉब्लम होते हैं कनेक्ट करने में कि कौन से कनेक्ट करें किससे नहीं करें, ठीक है। तो हम इसे कैसे डिलीट करते हैं ये जानेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले कंट्रोल पैनल ओपन करेंगे, और कंट्रोल पैनल ओपन करने के बाद नेटवर्क एक्सेरेंट सेंटर, ठीक है, इसमें क्लिक करेंगे। तो हम इस पेज पे आ चुके हैं, और इस पेज पर आने का एक और तरीका है जो कि शॉर्ट तरीका है। तो उसके लिए हम इसे क्लोज करते हैं, और हमें जो जहाँ से नेट कनेक्ट करते हैं, ठीक है, जहाँ पे डायलअप कनेक्शन ओपन होते हैं जहाँ से, वहाँ पे हमें राइट क्लिक करना है। तो राइट क्लिक करने के बाद ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये सेम पेज है, ठीक है। तो उसके बाद हमें जाना है चेंज एडाप्टर सेटिंग में। तो चेंज एडाप्टर सेटिंग में क्लिक करने के बाद यहाँ हमें जिस जिस डायलअप कनेक्शन को डिलीट करना है उसे हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ऐप एक एयरटेल इंटरनेट है, तो हम इसे रखना चाहते हैं और सादे को डिलीट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम देखिए जिसे डिलीट करना चाहेंगे उसे हम सेलेक्ट करके राइट क्लिक पे करेंगे और उसके बाद डिलीट कर देंगे, ठीक है। ये साधारण डिलीट है, तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो एक मैं डिलीट कर चुका हूँ, फिर एक वोडाफोन नेट है तो उसे भी हम डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से तो डिलीट हो चुका है, और चलिए आगे देखते हैं कि जहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं वहाँ से डिलीट हुआ या फिर नहीं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ही है जो कि है एयरटेल इंटरनेट, और पहले तीन था, ठीक है। तो यहाँ से पूरा भी डिलीट हो चुका है। अगर ये वीडियो आपके अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और कोई क्वेश्चन है तो हमें कॉमेंट ज़रूर करें। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पे इस तरह के टिप्स और ट्रिक के वीडियो डालते रहते हैं। फिर मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए।